हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट फॉर वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक का हम टारगेट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए, प्योर चार्ट और टेक्निकल बेसिस पे। तो इसके लिए हम 3 चीज़ों का सहारा लेंगे। नंबर 1 RSI, नंबर 2 चार्ट, नंबर 3 ऑप्शन चेन। इफ एनी अगर स्टॉक जो है एफनो में है तो ऑप्शन चेन, नहीं तो हम RSI और चार्ट से। तो ये शेयर जो है यस बैंक ऑप्शन चेन में नहीं है, तो हम RSI और चार्ट से जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए RSI 34.91 चल रहा है RSI, राइट। मैंने आपको बताया हुआ है कि 30 to 80 RSI 80 के आसपास है, ओवरबॉट जोन में है, 30 के आसपास है, ओवरसोल्ड जोन में है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि 34.95 लगभग 34 या 30 के आसपास है, तो लगभग शेयर ओवरसोल्ड जोन के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है। आज की डेट में इसमें 20 पैसे 30 पैसे का एक मूवमेंट आया था, लेकिन एक अच्छा खासा बाउंस बैक आगे आने वाले 1 से 2 दिनों में, मीन्स कल तो मार्केट बंद है, 13 मई को ईद है, 14 मई को जब मार्केट खुलेगा तो एक ऊपर की तरफ मूवमेंट इसमें एक जा सकता है। कहाँ तक जाएगा इसको कंफर्म करने के लिए हम चार्ट चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। तो यहाँ पे 13 रुपए सी 13 रुपए 35 पैसे तक गया था, 13.44 तक, उसके बाद नीचे चला है, 13.35 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे आया था और क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद जो है ये शेयर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में हो गया था, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट इनका खराब आया था। और अब जो है शेयर यहाँ से जो है एक ग्रीन कैंडल मारा है, तो शेयर जो है एक अपवर्ड ट्रेंड बनाना चाहिए। अगला टारगेट इसका दोस्तों ये वाला लेवल होगा, कितना का, 13 रुपए 60 पैसे, 13 रुपए 65 पैसे, 13 रुपए 89 पैसे, और ऊपर की तरफ अगर अगले दिन की बात करें तो 14 रुपए 9 पैसे तक जो है, 14 रुपए 10 पैसे तक जो है दोस्तों ऊपर की तरफ जा सकता है 1 से 2 दिनों के लिए, प्योर चार्ट और टेक्निकल बेसिस पे। बाय द वे कोई अच्छी खबर आ गई कुछ और है तो शेयर जो है अपर सर्किट मार के, आप भी जानते हो यस बैंक की चाल, यस बैंक अपने ढंग से चलना शुरू कर देगा। बट टेक्निकल 10 पैसे 20 पैसे मूवमेंट के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो 1 से 2 दिनों के अंदर इसको 14-10 रुपए का टारगेट बनता है। नीचे सपोर्ट लेवल में बात करें दोस्तों की, देखिए सपोर्ट लेवल इसका यही है, 13 रुपए 10 पैसे का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, 13 रुपए 10 पैसे, 13 रुपए। बाय द वे 13 रुपए 12 रुपए 90 95 पैसे आके ऊपर चला जाए तो भी 13 रुपए का ही सपोर्ट मानेंगे, इसको ये 13 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकता। और अभी जो है 13.35 13.46 है, तो शेयर जो है लगभग अपट्रेंड मूवमेंट में आ चुका है। RSI भी यही बता रहा है, तो शेयर जो है एक बाउंस बैक दे सकता है। तो आगे आने वाले दिनों के लिए 14 रुपए 14 रुपए 10 पैसे 1 से 2 दिनों का टारगेट है, और ऊपर गया तो ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए